दोस्तों, अभी रामनवमी के अवसर पर गुजरात में रामनवमी का जो जुलूस निकल रहा था उस पर पत्थरबाजी हुई। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले हिंदू नववर्ष के अवसर पर जो एक जलसा निकल रहा था राजस्थान के करौली में, उस पर भी पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद आगजनी हुई, बहुत सारी दुकानें जलाई गई, बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा दूसरी ओर कश्मीर में अभी कुछ दिनों पहले एक कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हुआ। पिछले साल अक्टूबर के बाद अब हमारे सीआरपीएफ के एक जवान वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन अगर ये सब बातें हम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में नफरत फैला रहे हो, या ये तो इन नेताओं की गलती है, ये तो नरेंद्र मोदी जी जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने तब से होने लगा है, पहले तो ये सब होता ही नहीं था। तो इसलिए आज जरा मैं आप लोगों को इतिहास में थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, 14वीं सदी में 15वीं सदी में, और जानते हैं कि क्या हिंदू मुस्लिमों में पहले विवाद नहीं होता था, अभी अभी 7-8 सालों से होने लगा है। आज हम 14वीं 15वीं सदी के कश्मीर के बारे में जानेंगे, मारतंड सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे, सिकंदर बुत शिकन के बारे में जानेंगे, और ये जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ या कश्मीरी हिंदुओं के साथ शुरू से ऐसा होता आया है, बीते कई सालों से हो रहा है, या ये अभी अभी होने लगा है, मतलब कुछ 7-8 सालों में या 30-40 सालों में। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, सिकंदर शाह मीरी कश्मीर के शाह मीर वंश का सुल्तान था। उसका शासन चला साल 1389 से 1413 AD तक। सिकंदर शाह को आज हम जिस नाम से ज्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं वो है सिकंदर बुत शिकन या सिकंदर मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। अब कौन सी मूर्ति? मंदिरों की मूर्ति। तो आइए देखते हैं कि इतिहास सिकंदर शाह मीरी या सिकंदर बुत शिकन के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, जोन राज 15वीं सदी के कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृत कवि थे। जोन राज सिकंदर के उत्तराधिकारी जैनुल अबिदीन के ब्राह्मण दरबारी कवि थे और उन्हें कलहण की राज तरंगनी को जारी रखने के लिए नियुक्त किया गया था। जोन राज का कहना था कि सिकंदर के शासनकाल में कश्मीर में लंबे समय से चली आ रही सहिष्णुता की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई। यही बात फारसी के बहारिस्तान शाही और तोहफातुल अहबाब से भी पता चलती है, जिसमें कहा गया है कि सिकंदर ने कश्मीर से सभी विधर्मियों और काफिरों यानी हिंदुओं, बौद्धों या बाकी गैर मुस्लिमों को साफ कर दिया, उन्हें खत्म कर दिया, और इसीलिए सिकंदर शाह मीरी को सिकंदर बुत शिकन कहा गया। जोनराज के शब्दों में जाने तो सिकंदर शाह मीरी ने अपने इस काम की शुरुआत की हिंदुओं और बौद्धों के जो धार्मिक स्थल थे उन्हें तोड़ने से। यहां तक कि घरों में भी जो लोग मंदिर बनाते हैं अपना, उसमें मूर्तियां रखते हैं भगवान की, वहां की मूर्तियों को भी बख्शा नहीं किया, अर्थात घरों की जो मूर्तियां थी भगवान की उन्हें भी तोड़ दिया गया। अब जानते हैं कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर के बारे में। तो जोन राज ने सिकंदर द्वारा नष्ट किए गए जिन मंदिरों का उल्लेख किया उनमें है शिव जी का विजयेश्वर मंदिर, विष्णु भगवान का चक्रधर मंदिर, सुरेश्वरी मंदिर, वाराह मंदिर, त्रिपुरेश्वर मंदिर और मारतंड सूर्य मंदिर। 17वीं सदी के लेखक हसन अली, जिन्होंने तारीख कश्मीर लिखी, वो इस बारे में और ज्यादा विस्तृत उल्लेख करते हैं। तो क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो हसन अली ने सिकंदर शाह मीरी द्वारा तोड़े गए परिहासपुर के 3 मंदिर, स्कंदरपुरा में तारापीठ मंदिर, पास के एक महाश्री मंदिर का उल्लेख किया और सीउड जे ने उल्लेख किया कि महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति को तोड़कर पिघलाया गया जिससे सिक्के बनाए जा सके। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। इसके बाद सिकंदर बुत शिकन ने जितने भी ब्राह्मण थे कश्मीर के उनपे जजिया कर लगा दिया। इसके अलावा हसन अली ये भी कहते हैं कि सिकंदर बुत शिकन के शासनकाल में जो भी ऐसे लोग होते थे जो धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर देते थे उनका कत्ल कर दिया जाता था, और इस बेसिस पे बहुत सारा कत्लेआम सिकंदर बुत शिकन के शासनकाल में कश्मीर में हुआ। इस इस्लामीकरण के पीछे का एक कारण ये माना जाता है कि जो सिकंदर बुत शिकन था वो अपनी ताकत के जोर पे कश्मीर में जो ब्राह्मण थे उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। साथ ही जो ब्राह्मणवादी संस्थाएं थी, यानी जो मंदिर थे या जो बौद्धों के मठ थे, उनकी जो संपत्ति थी जो बहुत ज्यादा थी उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहता था। अब बात मारतंड सूर्य मंदिर की। तो कलहण, जिन्होंने राज तरंगिनी लिखी, वो लिखते हैं कि मारतंड सूर्य मंदिर जो था उसका निर्माण 8वीं सदी में हुआ और इसका निर्माण करवाया
कारकोट राजवंश के राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने। अगर आप ललितादित्य मुक्तपीड के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित मारतंड सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित था। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब वहां पर केवल खंडहर बचा है। क्यों? क्योंकि सिकंदर बुच्चिकन ने अपने शासन काल में मारतंड सूर्य मंदिर को नष्ट करवा दिया था, और इसे नष्ट करने में कहते हैं कि एक साल का वक्त लगा था। यानी इसका आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा यह आप खुद सोच सकते हैं, और इसके बावजूद इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका, इसके खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। जोन राज और हसन अली के अनुसार मंदिर को सिकंदर शाह मीरी ने अपने सूफी उपदेशक यानी सूफी टीचर मीर मोहम्मद हमदानी की सलाह पर समाज का इस्लामीकरण करने के लिए नष्ट करवा दिया। और मजे की बात यह है कि उस समय ना ही बीजेपी थी, ना ही आरएसएस था, और ना ही मीडिया थी, जिन्हें आज हम दोषी ठहरा देते हैं कि इनके चलते ही ये सब हो रहा है। अब सबसे जरूरी पॉइंट ये कि आज हम मारतंड सूर्य मंदिर को किस रूप में देखते हैं। अभी साल 2014 में एक फिल्म आई थी हैदर, जिसमें मारतंड सूर्य मंदिर को शैतान की गुफा के तौर पे दिखाया गया। अब कहने को तो एक फिल्म थी, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किस तरह की ऊटपटांग चीजें हमारी आज की जनरेशन को दिखाई जाती हैं। और फिर हुआ ये कि फिल्म हिट हो गई और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। यानी हिंदुस्तान में जहां पर मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज हैं, वहां पर एक फिल्म में एक मंदिर को शैतान की गुफा दिखा दिया जाता है, और हमने क्या किया, हमने तालियां बजाई और उस फिल्म को हिट करा दिया। यानी कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना मारतंड सूर्य मंदिर, जिसे गांधारन, गुप्त और चीनी वास्तुकला शैली में बनाया गया, जो सिर्फ मंदिर नहीं था बल्कि कश्मीर में कला और संस्कृति का केंद्र था, उसे शैतान की गुफा बता दिया जाता है एक फिल्म में, और हम तालियां बजाते हैं। इसी तरह एक गाना है, आपने जरूर सुना होगा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। बेहतरीन गाना है, क्लासिक गाना है, और उसे फिल्माया गया है इसी मारतंड सूर्य मंदिर के खंडहर में। गाने के बीच में संजीव कुमार जी सुचित्रा सेन जी से कहते हैं कि ये जो दीवारों पे तुम फूलों की बेलें देख रही हो, ये बेलें नहीं है, ये अरबी में आयतें लिखी हैं। बेहतरीन गाना है, लेकिन ललितादित्य मुक्तपीठ द्वारा बनवाए गए मंदिर में जो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे सिकंदर शाह मीरी ने तोड़वाने की कोशिश की, उसमें अरबी में आयतें हैं। क्या कभी किसी ने सोचा? अगर वहां संस्कृत के मंत्र भी बोल देते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दीवार तो फिल्म में दिखाई नहीं गई है। पॉइंट ये नहीं है वहां पे लिखा क्या है, पॉइंट ये है कि हमने इस बात को एक्सेप्ट किया, हमने तालियां बजाई, और आज ये गाना हमारे भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। नो डाउट गाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमने किन चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट किया, हमारे इतिहास की जो संजीदा मुद्दे हैं उन्हें हमने उनके साथ किस तरह खिलवाड़ किया या खिलवाड़ को एक्सेप्ट किया, ये सोचने वाली बात है। जहां पर ऐसी त्रासदी हुई, एक साल तक जलाया गया, तोड़ा गया उस मंदिर को, और हम उसमें रोमांस दिखाते हैं, कभी उसे शैतान की गुफा दिखाते हैं, और हम बैठकर तालियां बजाते हैं। तो सोचने वाली बात ये नहीं है कि वो पीस ऑफ आर्ट, वो फिल्म या वो गाना कैसा है, सोचने वाली बात ये है कि किस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जाता है, हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है, और हमारे इतिहास के साथ सबसे बड़ी बात किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है। और फिर इस बारे में बात करो तो लोग कहते हैं तुम तो नफरत फैला रहे हो। मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने वो सच लाता हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है, जिसे लोगों ने लिखा, जिसे इतिहासकारों ने लिखा, हसन अली ने लिखा। तो अगर आपको इस तरह का सच पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।